सुसंदर्भान श्री नाग देवता योग पूजा चेयबोतुनामु దయచేసి భక్తి భావంతో శ్రద్ధలతో ఈ పూజలో పాల్గొనండి. ఏది అంటే అబోను జసత్తు ఒక నమస్కారం స్వాగతం దౌకు ఆశ్రమం ఏ నుబియా కొంటాం జోజి నుతు ను ఫిన్స్వేన లోకాజో నాగ పంచమి ఏ ను పల్ కొమాస్ ను పూజ పును నాగ దేవత ఏ కమ్ డాబిట్యూడ్ ను కొమాస్ ఏ పను కలశ పూజ గణపతి పూజ పను ఫెన్ నాగ దేవత పూజ ఏ ను టెర్మినే పను యజ్జ హవన్ ए कम दा पिचु दुबु दे वंजो दा बेबु कुश श्रद्धा भक्ति नुतु नु पाच सि दम पूजा आलो नु पाल को मास नु सर्वजात सर्वकार्येषु नाचिकेषां मङ्गलम्
श्री समृद्धि स्थित भगवान मंगलायतन हरि लाभ श्रीषाम भवश्याम हृदय से जनार्दन आपदाम अवतारम दातारम सर्वसंपदाम लोकाभिरामम श्रीरामम भूयो भूयो नमाम्यहम सर्वमंगलमांगल्ये शिव सर्वार्थसाधिके शरण्ये दयाम्बिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम श्री लक्ष्मी नारायणभ्यां नमः उमामतीश्वराभ्यां नमः वाणीरंगगर्भाभ्यां नमः शचीपुरंदराभ्यां नमः अरुंधतिवशिष्ठाभ्यां नमः सीतारामभ्यां नमः नागदेवताभ्यो नमः। ओम गंगे यमुने कृष्णे गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम सर्वतीर्थम आवाहयामि सर्वतीर्थम आवाहयामि सर्वतीर्थम आवाहयामि। ओम पवित्रः पवित्रो वा सर्वश्राम गतोऽपि वा यस्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सभाय व्यन्तरशुचिः। ॐ केशवाय स्वाहा ॐ नारायणाय स्वाहा ॐ माधवाय स्वाहा ॐ गोविंदाय नमः ॐ विष्णवे नमः ॐ मधुसूदनाय नमः ॐ त्रिविक्रमाय नमः ॐ वामनाय नमः ॐ श्रीधराय नमः ॐ ऋषिकेशाय नमः ॐ पद्मनाभाय नमः ॐ दामोदराय नमः ॐ संकर्षनाय नमः ॐ वासुदेवाय नमः ॐ प्रद्युम्नाय नमः ॐ अनिरुद्धाय नमः ॐ पुरुषोत्तमाय नमः ॐ अध्योक्षजाय नमः ॐ नारसिंहाय नमः ॐ अच्युताय नमः ॐ जनार्दनाय नमः ॐ उपेन्द्राय नमः ॐ हरये नमः ॐ श्रीकृष्णाय नमः। ॐ उत्तिष्ठन्तु भूतपिशाचाः इति भूमिभारकाः एतेषां विरोधेन ब्रह्मकर्मा समारभे। ॐ भूः ॐ भुवः ॐ सुवः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ आपो ज्योतिरसो अमृतम् ब्रह्म भूर्भुवस्सुवरो। ॐ चन्दनशमहतुल्यं भवितं भावनासनम् आपदहरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ॐ कुङ्कुमशमहत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदहरति नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठति सर्वदा। ॐ ममोपात दुरितक्षय द्वारा श्री परमेश्वर प्रीचर्तम् शुभे शुभने मुहूर्ते श्री महाविष्णुराज्ञा प्रवर्तमानस्य अद्य ब्रह्मणः द्वितीय अपराधे श्वेतवराह कल्पे वैवस्पतमन्वन्तरे कलियुगे प्रथमपादे हिन्दु महासागरे मारिषद्वीपे परमेश्वरी आनन्द निलयं शुभस्थाने अश्विवर्तमानेन व्यावहारिक चान्दमानेन श्री सार्वरी नाम संवत्सरे दक्षिणायने शरदृत श्रावण मासे शुक्लपक्षे शनिवासरे पंचमी तिथ उत्तर साध नक्षत्रे शुभ योगे शुभकरण एवं गुण विशेषण विशिष्टायां शुभतिथौ श्रीमन भारद्वाज गौत नाम ऋहश्च श्री कमाया हावा पदु नाम ऋहश्च धर्म पत्नी श्रीमती ज्योति देवी हावा पदु नाम ऋहश्च सुपुत्र कुमारी केशिका राव पदु नाम ऋहश्च सुपुत्र बालक कृष्णंदा निखिलेश राव पदु नाम ऋहश्च श्रीमती पुल्लम राव पदु नाम ऋहश्च कुमार चिन्मयनंद राव पदु नाम ऋहश्च समीत सहस कुटुंबान नाम श्री सचिन दुसुनिया नाम ऋहश्च धर्म पत्नी श्रीमती अनिता दुसुनिया नाम ऋहश्च सुपुत्र बालक अद्वित
दिशुन्यानाम रिहस्य समीतस्य सहज कुटुम्बान नाम क्षेम धैर्य विजय अभय आरुरारोग्य ऐश्वर्या विवृद्यतम धर्मात काम मोक्ष चतुर्विध फल पुरुषार्थ सिद्ध्यतम सिनाग देवता पूजाम करिषे तदंग गणेश पूजाम करिषे कलश राधनम करिषे।
ओमायनीतिपरायणि दुर्वारुवन्ति विश्विनिहि प्रदाश पुण्डरीकानि समुद्रश गृहेहि मे श्रीमहागणाधिपतये नमः गन्धश्योपरि अलङ्करणार्थम् अक्षतान् समर्पयामि पुष्पैः पूजयामि ॐ सुमुखाय नमः ॐ इकदण्डाय ॐ कपिलाय ॐ गजकर्णिकाय ॐ लम्बोदराय ॐ विकटाय ॐ विघ्नराजाय ॐ गणाधिपाय ॐ धूम्रकेतवे ॐ गणाध्यक्षाय ॐ कालचन्द्राय ॐ गजाननाय ॐ वक्रतुण्डाय ॐ शूर्पणखण्डाय ॐ हीरम्बाय ॐ स्कन्दपूर्वजाय नमः श्री महागणाधिपतये नमः शोधसनाम पूजां समर्पयामि ॐ वनस्पतिर्भवे दिव्याय नानगन्धेषु संयुतम् आग्र्य सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रति गृह्यताम् श्री महागणाधिपतये नमः धूपमाग्रापयामि ॐ साजं त्रिवर्ति संयुक्तं वनिना योजितं प्रियं गृहाण मङ्गलं दीपं त्रैलोक्यक्षीरापहं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि देवाय परमात्मने त्राहिमं नरकात् घोरात् दिव्यज्योति नमोऽस्तु ते श्री महागणाधिपतये नमः साक्षात् दीपं दर्शयामि धूपदीपानन्तरं शुद्धाचमन्यं समर्पयामि ॐ नैवेद्यं सद्दशोपेतं पलल्लड्डुकसंयुतं भक्षभोजसमायुक्तं प्रीचर्तप्रतिगृह्यतां श्री महागणाधिपतये नमः महानैवेद्यं समर्पयामि ॐ फलिनफलितं सर्वत्रैलोकं सचराचरं तस्मात् फलप्रदानेन सफलाश्च मनोरथा श्री महागणाधिपतये नमः नारिकेलं समर्पयामि ॐ सत्यं त्वत्तेन परिषिञ्चामि अमृतमस्तु अमृतोपस्तरणमसि ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपनाय स्वाहा ॐ ज्ञानाय स्वाहा ॐ उधनाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा मध्ये मध्ये पाण्यं समर्पयामि उत्तरापोषणं समर्पयामि अष्टौ प्रक्षालयामि पादौ प्रक्षालयामि शुद्धाचमन्यं समर्पयामि श्रीगङ्गनपतये नमः महानैवेद्यं समर्पयामि ॐ पूगीपले सकर्पूरै नागवल्लीढलयुक्तं मुक्ताचूर्णसमायुक्तं ताम्बूलं प्रति गृह्यतां श्री महागणाधिपतये नमः ताम्बूलं पूगीफलं दक्षिणां च समर्पयामि
ओम शुकस्य गदंतस्य कपिलोगज कर्णकः लंबोदरस्य विगतो विघ्नराजो गणाधिपः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षः पालचन्द्रो गजाननः वक्रतुण्ड शूर्पकर्णो हिरण्यस्कन्ध पूर्वजः शोधसैतानिनामान्य पठेत् शृणुयादपि विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे प्रतीक्षैव निर्णस्तशनजायते श्रीमहागणाधिपतये नमः सुवर्ण हृदय मन्त्रपुष्पं समर्पयामि ॐ यानि कामि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तानि प्रणश्यन्ति प्रदक्षिणा पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मपापसम्भवः चाहि मां कृपया देव शरणागतवत्सला अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष गणाधिपा श्रीमहागणाधिपतये नमः आत्मप्रदक्षिण नमस्कारान् समर्पयामि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय गणेश्वराय सर्वेश्वराय शुभदाय सुरेश्वराय विद्याधराय विघटाय च वामनाय भक्तवसन्न वरदाय नमो नमस्तु ओम यस्य तृतीया च न मुक्त्या तवा पूजा क्रियादिषु न्यूनं च उन्नतां याति सज्जो वन्दे गणाधिपं मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं गणाधिप यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्फुटे अनेय ज्ञानवाहनादि षोडशोपचार पूजाय च भगवान् सर्वात्मकः श्री महागणाधिपतिः सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु उत्तरी शुभकर्मण्य विघ्नमस्तीति भवन्तो भ्रुवन्तु उत्तरी शुभकर्मण्य विघ्नमस्तु श्री महागणाधिपति प्रसादं शिरस गृह्णामि ओं यज्ञेन यज्ञमज जन्तरिवास्तानि धर्माणि प्रथमानि आसन् देहनाकं महिमान् सच्छन्ति यत्र पूर्वे साध्या सन्ति देवाः श्री महागणाधिपतिं यथा स्थानमुद्वापयामि ओं वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समाप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुभनाथं पुनरागमनाय च ओं तत्पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम शांति शांति शांति। ओम नाग
नागदेवताभ्यो नमः। ॐ नागदेवताभ्यो नमः। ॐ नागदेवताभ्यो नमः। ॐ बोली स्वागत ना पाई। ॐ केशवाय स्वाहा। बोली ॐ नारायणाय स्वाहा। ॐ माधवाय स्वाहा। ॐ गोविंदाय नमः। ॐ विष्णवे नमः। ॐ मधुसूदनाय नमः। ॐ त्रिविक्रमाय नमः। ॐ श्रीधराय नमः। ॐ ऋषिकेशाय नमः। ॐ पद्मनाभाय नमः। ॐ दामोदराय नमः। ॐ संदर्शनाय नमः। ॐ प्रज्युम्नाय नमः। ॐ अनिरुद्धाय नमः। ॐ अधोक्षजाय नमः। ॐ नारसिंहाय नमः। ॐ जनार्दनाय नमः। ॐ उपेन्द्राय नमः। ॐ हरये नमः। ॐ श्रीनागदेवताभ्यो नमः। ॐ चन्दनस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठते सर्वदा। ॐ कुंकुमस्य महत्पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् आपदाहरते नित्यं लक्ष्मीस्तिष्ठते सर्वदा। संकल्पं ॐ ममोपात दुरितक्षेद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं शुभे शोभनं हुरुदे श्री महाविष्णुराज्य पवर्तमानस्यादि ब्रह्मणः द्वितीय प्रहारदे श्वेतवराकल्पे वैवस्वत मन्वन्तरे कलियुगे कलिप्रथम चरणे मारिशस् द्वीपे परमेश्वरी आनंदिलयं शुभस्थाने श्री सत्यकामानंद सरस्वती प्राणे श्री सार्वरिनामि संवत्सरे उत्तरायणे ग्रीष्मरिथा श्रावणमासे शुक्लपक्ष शनिवासरे पंचमी तिथौ उत्त फाल्गुनी नक्षत्रे सूर्ये चंद्रे भौमे बुधे बृहस्पतौ शुक्रे शनौ राहौ केतौ एवं ग्रह विशेषण विशेषताये शुभ तिथौ गोत्र भारद्वाज गोत्रोत्पन्नः सदाशिवन श्रीमान सदाशिवन तैल में नामदेह परिवार समेत श्रीमती सया देवी तैल में नामदेह सुपुत्र कुमार प्रिवालन तैल में नामदेह तिरुवन तैल में नामदेह तैल में कुटुंबम परिवार समेत श्री राव अप्पडु कुटुंबम सदस्य नामदेह मम दुरितक्षेकारकार श्री समस्त राज परिवार समेतस्य श्री वेंकटेश्वर भक्त संगम सदस्य नामदेह स्थैर्य विजय अभय आयुरारोग्य ऐश्वर्य विवृत्यर्थम सहित नागदेवत प्रेत्यर्थम कल्पमोक्त प्रकारेण पुरुष सूक्त विधानेन श्री सूक्त प्रदानेन षोडशोपचार पूज्यं करिष्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री नाग देवताभ्यो नमः। ओम श्री नाग देवताभ्यो नमः। ओम श्री नाग देवताभ्यो नमः। ओम नागराजाय विद्महे कृतिविधराय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। तन्नो सर्पः प्रचोदयात्। ओम वासुकी सुक्ता कलेश्चव ऐशवता धनन्वये कर्तको शुभा पूर्णा यत तीवता
शिव भूषण नागेन्द्र बलि निर्मते भ्रद हृदयामी तगत्यां प्रसो भगवान सदा विष्णु लोके रत्य वासुके प्रदये रुद्र लोके कयश्च चक्षः प्रजां खजये खंडा वस्य तदाहेन सर्वमंगलाय रहिस्त्रताः सर्पस्त्रीता युता अस्तिता चतारिजा मुलाचिका कताकर्क मृदा यतायता धर्मलोके च सर्प मेदात्य सविताश्विदा रुद्र पार्वती मुखाधिने रत्य सत्य ग्रमे भयाधियो धीर्वतैदेव प्रदाहितां भूतिनीं चैव मे सर्प मे सर्प सिन्धोत रतास्य मे सर्प आनंद धीमह बला कवितो यश्च मे सर्पा तस्य भक्तेत अनंत सर्प राजात्वं पुत्र पोत्र समाधितं नागे नागयंतन रूपाय शेष रूपाय नमोस्तु ते ओम श्री नाग देवताभ्यो नमः ध्यायामि ध्यानं समर्पयामि ओम अत्र गच्छ महानाग दिव्य रूप कृपाकर कृशाकर कंपोजं चिंतित प्रधाभव ओम सहस्र शीर्ष पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद सभोगं विश्वतो भृत्वात् अत्यदिष्ट दशांगुलं ओम हिरण्यवर्णे हरिणे सुवर्ण रजतस्रजे चंद्र हिरण्महीं लक्ष्मी जात भेदो मम वह ओम श्री नाग देवताभ्यो नमः आवाहयामि आवाहनं समर्पयामि ओम ना ओम उगगेन्द्र समास्तुभ्यं फणि रत्न विभूषितं भक्त्य समास्तुभ्यं आसनं प्रतिकल्पतां ओम पुरुष एवेदघं सर्वः यद्भूतं यज्जभव्य उदाहृतत्व शेषणः यदन्नेन तिरोहते ओम तस्मात् अवायत वेदो लक्ष्मी वनपयामिनी यस्य हिरण्यं भिन्देयं गामश्चं पुरुषाव्यहम् ओम श्री नाग देवताभ्यो नमः नवरत्न कथित सिंहासनं समर्पयामि ओम गंध पुष्पक समायुक्तं निर्मितं शुद्धवादिने पाद्यं गृहाण देवेश नागराज नमोस्तुते ओम एतावानस्य महिमा अतो जायगुंश पूरुषः पादो न विश्वभूतानि त्रिपादस्य वृतं निहे ओम अश्वपूर्वामृत मध्यम हस्तिनाथ प्रमोनये श्रियं देवीमुपद्वये श्रीमदेवी जुष्यताम् ओम श्री नागदेवताभ्यो नमः पादयोः पाद्यं समर्पयामि ओम गंध पुष्पक समायुक्तं कलशास समन्वितं पुष्पक समार्येतं दस्यामि वाणी भूषण ओम त्रिपदोर्व उदत् पुरुषः पादो जेहद भवत् पुनः ततो विश्वक्रामत शासनानशने अवे ओम काम सोस्मितं हिरण्यं प्रगरं भद्रं ज्वलन्तीं तृप्तं तत्पयन्तीं पद्मस्ति तम पद्मवर्णं तामि होपपये श्रिया ओम श्री नाग देवताभ्यो नमः हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि ओम गंगातोयं नमानीतं एलकर्पूरमिश्रितं गृहानचमनं देव सर्पराज नमस्तुते ओम तस्माद्भिरदधायद इरजो अधिपुरुषः सजातु अद्यरिच्यत पश्यं भूमिमदपुरः ओम चंद्रं प्रभासं यसला जलन्दं श्रियं लोकदेव जुष्टमुदारं तां पद्मिनीं शरणं महं प्रपद्ये
मेनश्वतां त्वं भ्रुने ओम श्री नागदेवताभ्यो नमः मुखे आचमन्यं समर्पयामि ओम दयाद्या मधु संयुक्तं मधुरं जीवकारणं मधुपर्कं प्रदस्यामि भूमि धरा नमोस्तुते ओम यत्पुरुषेण हविष्या एव यज्ञमदन्वदा वसन्तो अस्य सिद्ध्यर्चम ग्रीष्म इद्म शरद भविः ओम आदित्य वर्णे तपसोदि जयत वनस्पतिस्ता वृक्षोर भिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्त माया तायार्च भवः अलक्ष्मीः ओम श्री नाग देवताभ्यो नमः मधुपर्कं समर्पयामि ओम हेम कुम्भस्थितं तोयं नदी नचैव ग्राहितं इस्नाहनं मया दत्तं गृहान इस्नागेश्वरः ओम सप्त्यास्यासं परिरयः इसप्त समिरक्रुराः एव यज्ञार्थं तन्वानः अपदं पुरुषं पशुं ओम उपैतु मां देवसगः इर्तिष्ट मणिना सह प्राधुर्विराश्त्रेष्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे ओम श्री नागदेवताभ्यो नमः शुद्धोदक स्नापयामि ओम श्री नागदेव ताभ्यो नमः इस्नापयामि अभिषेकम् Nous pouvons commencer toujours comme d'habitude par du lait. ॐ कामधेनु समद्भूत तेजो कांति विवर्धनम् बल वीर्य समाप्यर्थम् क्षीरम पुष्पा पुष्पकम शुभम ओम श्री नाग देवताभ्यो नमः क्षीरः स्नापयामि ओम गावो क्षीरा समाद्भूतम वीर्यम वृद्धिम च कार्तकम सर्पार्चकम निभम श्रेष्ठ दद्यामरोग्यम वर्धनम ओम श्री नागदेवताभ्यो नमः दद्नाय स्नापयामि ओम दधी गदा समायुक्तम सर्वयज्ञ विवर्धनम अग्नि प्रतिकरम चेष्टा देवा तरर्मोस्तुते ओम श्री नागदेवताभ्यो नमः अज्ञेन स्नापयामि ओम पुष्पा सदा रसोभूतम एव्या पुष्पास्य कारिणम औषधि समागामित्वम पृथ्वी नम्याम यद मधुपर्कम ओम श्री नागदेवताभ्यो नमः मधुना स्नापयामि ओम सर्वश्चेष्ट समाद्भूतम सर्वलोक प्रियं परम पंचामृतम श्रेष्ठ शक्कराश्रितम स्वादुमृता आद्यभ्यः ओम श्री नागदेवताभ्यो नमः शक्तिरना स्नापयामि ओम नारिकेल समाद्भूतम विवार्तयो फलमृतम एवनाख्ये भीषकारणम फलोदकम शुभान्यहम ओम श्री नागदेवताभ्यो नमः फलोदक स्नापयामि ओम ओम अभोहिष्टमय भुवत्थन उर्देन दादन महेन नाचक्षसे योग शिवाय नमोरसः तस्य भालय देहनः उजतीरिव मातर तस्मानरंग भामव यक्षश्चद धिम्मलापयन्यदादनः ओम श्री नागदेवताभ्यो नमः पंचामृत स्नानम समर्पयामि पंचामृत शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि स्नानांतरणम शुदाचमन्यम समर्पयामि ॐ ॐ
तच्चम्य रावणे महे गादम यज्ञाय गादम यज्ञवदये देवेहे स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मनुषेभ्यः ऊर्ध्वं दिगद भेषज्ञः धन्नोऽष्टद्विवरे शं चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 ॐ सहस्रशीर्षं पुरुषः सहस्राक्षात् सहस्रपात् स भूमिं विश्वतो भृत्वा अत्यधिष्ठद्दशाङ्गुलम् ॐ पुरुष एवेदघं सर्वो यद्भूतं यज्ज्ञभव्यम् उदाहृतत्वशेषानः यदन्नेन तिरोहदे एतावानस्य महिमा अतो जायगुंश पुरुषः पादो च विश्वभूतानि त्रिपादस्य हृदन्दभे ॐ त्रिपदोर्व उदयत्पुरुषः पादो चेहद्भवत्पुनः ततो विश्वक्रामद शासनानशने अभि ॐ तस्माद्विराड जायद इराजो अधिपुरुषः स जातु अद्यविच्छद पश्यं भूमि मदो पुरः ॐ तत्पुरुष ॐ यत्पुरुषेण हविष एव यज्ञवदन्वद वसन्तास्तस्यद्यार्चम् ग्रीष्म इद्म शरद्भविः सप्त्यास्यासन् परिदयः इसप्त समिदक्रुराः एव यज्ञ तन्वारः अपदम् पुरुषम् पशम् तम् यज्ञभर्षि प्रोक्षण पुरुषम् जानमग्रदः एव देव अजयन्त साध्य रुचयच्च मे कस्मात् सा ॐ तस्माद्यात् सर्वहुदः ऋतमालिगचन्दगजज्ञे तस्मात् अरण्याम् ज्ञाम्यच्च मे तस्माद्यात् सर्वहुदः ऋतमालिगचन्दगजज्ञे तस्मात् तस्मात् अजायदः ॐ तस्मादस्व अजयन्त एकेचो भयावदः रावोह जज्ञे तस्मात् तस्माद्यावयः ॐ यत्पुरुषम् व्यदधो कतिध्याकल्पयम् मुखम् किमस्य को बाहो कावोरुपाणभूच्यते भ्रमणोऽस्य मुखमासीत् बाहुराज्जन्यकृतः ओरुम् तदस्त वैष्णवः पद्यागम् शुनो अजायत चन्द्रमा मनसो जात चक्षु सूर्यो अजायत मुखदिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणध्यायारजायत ॐ नभ्यामसीदन्तरिक्षम् शिरोदस्सावादद पद्यागम् शृणो तदा लोका अकल्पयन् ॐ भेदाहमेदम् पुरुषम् महान्तः आरत्य वर्णम् तपसस्तु पारे अरवाणि रूपाणि विचित्ररेरः नमानि कृत्वा भिमण्डनास्ते ॐ धाता पुरस्ताद्यमुनजहर शक्रः प्रविद्वान् परिषष्टगस्त्रः तमेयम् विद्रनमृत इह भवति नान्यपण्ठा अयनाय विद्यते ॐ ॐमस्य भूत पृथिवीश्चार्च विश्वकर्मणः समवर्तत रूपमेरि तत्पुरुष विश्वमाजनमग्रे वेदाहमेदम् पुरुषम् महान्तः आदित्य वर्णम् तपसस्तपात् तमेयम् विद्रनमृत इह भवति नान्यपन्थाय विजयाय प्रजायत्य गन्ध अर्थः अजयाद बाहो विजयते तस्य धीरः परिजानन्ति योनि मरीचेण परे पदामि चन्दे वेदस्तदेवादावधिः यो देवानाम् पुरोहितः पूर्व ये देवेभ्यो जातः नमो ऋचब्रह्मणा ब्रह्म जयन्त अद्ब्रवान् यार्तः ब्रह्मवेष्टा तस्य देव असंवरे रेत्यार्च लक्ष्मीपत्यो अहोरात्रि पार्वि नक्षत्राणि रूपम्
अष्टिम् इष्टम् महीशानाम् अयम् महीशानाम् सर्वम् महीशानाम् ओम तच्चम् यो राहुणे महे गादुम् यज्ञाय गादुम् यज्ञवदये देवेः स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्धम् निगातु भेषज्ञः शन्नो अष्टद्विवने शं चतुष्पदे ॐ शान्तिः 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 इति पुरुषसूक्तम् आदत्त वर्णम् दशस्त पारे हर्वाणि रूपाणि विचित्रेण हनुमान् कृत्वाभिवन्दनेऽस्ते ॐ राजाधिराजाय प्रदत्त साहिने नमो भयं वैष्णवनाय कुर्महे समे कामान् कामाय मध्याह अमेश्वर वैष्णवनागधाद कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः ॐ श्रीनागदेवताभ्यो नमः कर्पूरमङ्गलनिरञ्जनं समर्पयामि निरञ्जनं तदनन्तरं शिरासनं समर्पयामि श्रीनागदेवता की Thank you.
Thank you.
Oh,
Thank you.
එදින දවස් තුපිට විදේ රූපලෝක ආහාර තීපෝ නාග දේවතා यम वस्त्रम पीतांबरमिदं शुभम मया दत्तम इदं देवा दध्यार्ता वरागारिफा ओम तम यज्ञभर्षि प्रोक्षण पुरुषम जादमग्रदः एव देव अजयंत साज्य रुचयच्च मे ओम क्षोपिपासमलं ज्येष्ठां माल्यां यशाम्यहं अभूतिं रुद्धिरुग्निं च सर्वानुग्रेगृहात् ओम श्री नागदेवताभ्यो नमः वस्त्रयुग्मं समर्पयामि ओम उपवीतं सदा श्रेष्ठं ब्रह्मसूत्रं च कांचनं गृहाण देव सर्वज्ञ भक्तानां वरद प्रभो ओम तस्माद्य सर्वहुदः समृतं हृदस्यार्चं पश्चुगेता चक्रे वायव्यान् आरण्यं ज्ञां यच्च मे ओम गन्धद्वारं दुराधर्षं नित्यपुष्टं करेशिनीं ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपोत्वये श्रियं ओम श्री नागदेवताभ्यो नमः यज्ञोपवीतं समर्पयामि यज्ञोपवीतधानान्तरणं शुडचमन्यं समर्पयामि ओम कर्पूराकुरुकस्तूरे तन्नरं गिरारितं श्रीगन्धं चन्दनोपेतं प्रीत्यर्दं हृदिगुह्यताम् ओम तस्माद्य सर्वहुदः रुचमानिन चन्दगजग्गिरे तस्मात् तस्माद्ध्यायतः ओम मनसः काम माकोटि वाचस्य वशीमहि वशिनागुं रूपमनस्य मही श्री श्रेयतां यशः ओम श्री नागदेवताभ्यो नमः गंधां धारयामि ओम श्री नागदेवताभ्यो नमः दिव्य श्री चंदनम हरिद्र कुमकुमं समर्पयामि ओम शालिदाद्य समाद्भूतां नक्षत्रान् तांडुलान् धरानार्थं मया दत्तं स्वीकुरुष उरागादिपा ओम आयने ते परायने दुर्वरोहन्द पुष्पेने व्रजा च पुण्यरेकाणि समस्तस्य गृह इमे ओम श्री नागदेवताभ्यो नमः अक्षतान् समर्पयामि ओम किरीटा केयूरा हिरो कंकने मुखनादिरस्मय रेख दिव्यार्थं भूषिणे प्रदस्यामि महो भव गृहान ऋषि पूजिता ओम हिरण्य वर्ण भरिणे सुवर्ण रजतस्त्र चंद्र हिरण्मयी लक्ष्मी जात भेदो मम वह ओम श्री नागदेवताभ्यो नमः आभरणानि समर्पयामि ओम
ओम वृक्षसारा रसोभूतं सर्वगंधसमन्वितं सर्वपुष्पसमाकीर्णं देवलंकार शोभनं पुष्पमालं प्रदस्यामि गृहान वरदो भव। ओम ओम श्री नागदेवताभ्यो नमः। पुष्पं समर्पयामि पुष्पमालं धारयामि। Et bien, nous pouvons offrir nos namaskara à travers fleurs pour nous nager des vêtements. Et nous pouvons nous retrouver après chaque nom de tout ensemble, nous disons Pouja Yami. Et après ça, nous pouvons réciter ce 108 noms. Et là, nous pouvons tous ensemble nous dire Namah. Alors, nous pouvons tous ensemble nous dire Pouja Yami. Et tous les deux, la famille Teneme, la famille Rawapadu, tous les deux avec beaucoup de Shraddha Bhakti, à chaque fois que nous disons Pouja Yami, un de fleurs, un de pétales fleurs au pied, Namadeva. Om Vishnu Pradasharaye Namaha Padoho Pujayami. Om Anantaye Namaha Jangehe. Om Takshagaye Namaha Januni. Om Kartokaye Namaha Urum. Om Vasukaye Namaha Katim. ओम शिंशपालाय नमः नाभिम्। ओम धनंजनाय नमः उदरः। ओम पद्माय नमः उदरः। ओम कालकाय नमः बाहुः। ओम शेषाय नमः कंठः। ओम ऐरावताय नमः मुखः। ओम रक्तनेत्रे नमः नेत्रः। ओम बाहुषदाय नमः शिरः। ओम मणिभूषणाय नमः फलः। ओम सर्पराजाय नमः सर्वाणि अंगानि पूजयामि। Eh bien, comment on dit, nous parlons récite Naga Devta ce 108 noms. Nous tous ensemble nous disons Namaha après chaque nom. Om Anantaya, Om Adisheshaya, Om Agadaya, Om Akilo Vicharaya, Om Amita Vikramaya, Om Animi Sachitaya, Om Adibandhyani Vrutaye, Om Ashesha Panamandala Manditaya, Om Aprata Atanu Grahadayine, Om Amita Charaya, Om Akandeshwara Sampanaya, Om Amaradi Pashtutyaya, Om Aghara Rupaya, Om Vyashabhyaya, Om Vasukaye, Om Varapradaya, Om Varapradakaya, Om Vanacharaya, Om Vamsavaradaya, Om Vasudeva Shikshanaya, Om Vatavrukshasitaya, Om Vamsavardhanaya, Om Vitravishadarine, Om Vinayakaya, Om Vanayakudharabadhaya, Om Vishnupriyaya, Om Vedastutyaya, Om Vahitadharmayaya, Om Vishadharaya, Om Sheshaya, Om Satushudhanaya, Om Sangarabharanaya, Om Sakapalaya, Om Shamavarnaya, Om Sambupriyaya, Om Siddhananaya, Om Panchashirase, Om Papanashanaya, Om Pramodhaya, Om Panchamdaya, Om Bhakta Vakshyaya, Om Bhakta Rakshakaya, Om Bahusirase, Om Bhakti Vashyaya, Om Bhagya Vardhanaya, Om Bhava Bhitiharaya, Om Takshakaya, Om Tvarita Gamanaya, Om Tamorupaya, Om Dharvikaraya, Om Dharanidharaya, Om Kashyapadmajaya, Om Kalarupaya, Om Yugadipaya, Om Yugandharaya, Om Yukta Yuktaya, Om Yuktaya,
युग्म शिरसे ॐ ह्रं शिवद्वन्ताय ॐ ह्रं यगात्राय ॐ केशवप्रियाय ॐ विशंभरभराय ॐ आदित्यमर्दनाय ॐ सर्वपूज्याय ॐ सर्वधाराय ॐ निराशाय ॐ निरञ्जनाय ॐ ऐरावताय ॐ शरण्याय ॐ सर्वधायकाय ॐ धनञ्जयाय ॐ लोकत्रयाधीशाय ॐ शिवाय ॐ वेदविद्याय ॐ पूर्णाय ॐ पुण्याय ॐ पुण्यकीर्तये ॐ परेशाय ॐ पारगाय ॐ विष्कर्षाय ॐ वरप्रदाय ॐ कर्कोटाय ॐ श्रेष्ठाय ॐ शान्ताय ॐ दान्ताय ॐ जितक्रोधाय ॐ जीवाय ॐ जयदाय ॐ जपकीराय ॐ विश्वरूपाय ॐ विधिष्टुताय ॐ विदिन्द्रशिवसंस्तुताय ॐ श्रेयः प्रदाय ॐ प्राणदाय ॐ अव्यक्ताय ॐ भक्त्यरूपाय ॐ तमोहराय ॐ योगीशाय ॐ कल्याणाय ॐ भालाय ॐ ब्रह्मचारिणे ॐ वटुरूपाय ॐ रक्ताङ्गाय ॐ शङ्करानन्दकराय ॐ विष्णुतल्पाय ॐ गुप्ताय ॐ गुप्ततराय ॐ रक्तवस्त्राय ॐ रक्तभूषाय ॐ कदुबासम्भूताय ॐ आदरवीदिपादिकाय ॐ सुषुम्नाध्वरमज्जगाय ॐ पनिरत्नविभूषणाय नमः ॐ श्रीनागदेवताभ्यो नमः अष्टोत्तरशतनामबलिपूजां समर्पयामि। ॐ गुग्गुलं चन्दनैरुक्तं दशाङ्गं समाश्रितं धूपं दस्यामि सर्वेश महानाग नमोऽस्तु ते। ॐ यत्पुरुषं ह्यदधु कदिर्याकल्पयं मुखं किमस्य कौबहु कावुरुपारोच्यते। ॐ कर्दमेन प्रजाभूतामहि संभव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनी। ॐ श्रीनागदेवताभ्यो नमः धूपमाघ्रापयामि। ॐ हृतवर्ति संयुक्तं पञ्चो ज्योतिसमान्वितं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं दीपं दर्शयते प्रभो। ॐ भ्रमण मुखमासीत् बाहुराज्यं यकृतः ओरं तदस्त वैष्णवः पद्यागं शृणो अजायत। ॐ आपः सुजन्तु निकृतजिकृतवसमे गृहे नीचरं देवि मातरं श्रियं वासय मे कुले। ॐ श्रीनागदेवताभ्यो नमः साक्षाद्दीपं दर्शयामि धूपदीपनान्तरणं शुडाचमन्यं समर्पयामि। ॐ ह्रं भाफलं फृतं क्षीरं मद्गासमासमन्वितं भक्षाञ्च सापायसं च भाज्यनैवेद्यं प्रतिगोक्यताम्। ॐ चन्द्रामनसो जात चक्षुसूर्यो अजायत मुखदिन्द्रश्चाग्निश्च प्राणोद्धयारजायत। ॐ अद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलं पद्ममालिनीं चन्द्रामिरन्महीं लक्ष्मीं जातभेदो ममावह। ॐ फलेन फलितं सर्वत्रैलोक्यं सचराचरं तस्मात् फलपदानेन सपराश्च मनोरथ। ॐ भोः ॐ भुवः ॐ स्वहः ॐ महः ॐ जनः ॐ तपः ॐ सत्यम् ॐ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः
प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरस्वमृतं ब्रह्मभूर्भुवस्वरूपं ओम सत्यं दंदरेण परिसंजयामि अमृतमस्तोमृतोपस्तरणमसि नैवेद्यं शत्रुशोभितं फललड्डुकसंयुतं वक्षभोजसमयुक्तं नैवेद्यं प्रतिगोप्यते। ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम ज्ञानाय स्वाहा ओम उदाराय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम मध्य मध्य पानीयं समर्पयामि अमृतपिधानमसि उत्तरपोषणं समर्पयामि हस्तो प्रक्षालयामि पादो प्रक्षालयामि शुदाचमन्यं समर्पयामि ओम श्रीनागदेवताभ्यो नमः महानैवेद्यं निवेदयामि। Eh bien, nous pour passer un tambalam là et nous pour offrir tambalam pougi palam dakshina. Ça qui est un petit dakshina qui a mis dans ce tambalam là. Nous pour demander à la Vishnu de passer un coup par tout. Mais un petit dakshina nous pour offrir ça pour nous, Nagadeva. Tout le monde y a jaman, qui est avec nous, man pujari, nous man acharya, chakuruti là-bas. ॐ ॐ सत्यस्य याताम्बूलं तदा रम्यं तदाम्यहं नगस्यामि नागशेष्टः नागशेष्ट शुंग्रान नमोस्तु ते। ओम एललवंगा समायुक्तं नागवल्लीदलैरुतं मुक्तचूर्ण समानीतं ताम्बूलं प्रतिगोप्यताम्। ओम नभ्यामसीदन्तरिक्षं शिरोदस्समवरदः पद्भ्यां भूमि तदा लोका अकल्पयन्। ओम अद्रां पुष्करिणीं पुष्टिम् सूर्याम हेममालिनीम सूर्याम हिरण्मयीम लक्ष्मीम जातभेदो ममावह। ओम श्री नागदेवताभ्यो नमः ताम्बूलं भोगीफलं दक्षिणाञ्च समर्पयामि। Eh bien, nous demandons tout pour écouter, nous pouvons offrir Harati pour nos Nagadevta. Nous demandons tout pour débouter. विश्वं नारायणं देवं अक्षरं परमं पदं विश्वतः परमानित्यं विश्वनारायण गुंहरिं विश्वमेदगं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवते पतिं विश्वस्याशमीशतगं शाश्वतगं शिवमच्युतं नारायणं महाजेयं विश्वात्मानं परायणं
नारायण अपरो ज्योतिरात्मनारायण अपरः नारायण अपर ब्रह्म तत्त्वं नारायण अपरः नारायण अपरो ध्यात ध्यानं नारायण अपरः यच्च किञ्चित् जगत् सर्वं दृष्टते श्रूयते वेव अन्तर्भविष्य तत् सर्वं व्याप्य नारायण स्थितः अनन्तमवगं कविगं समुद्रेन्तं विश्वसंभवं पद्मकोश प्रतीकाशकं हृदयं जाप्रदामुखम् अरोभिस्तत्यान्ति नभ्याम परिदिष्टते ज्वालमाला कुलं भाति विश्वस्यायतनं मह चन्दकं शिव विस्तुरं दश्च कोश सन्निधो तस्यान्ति सूक्ष्मशिगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितं तस्य मध्ये महेनग्निर्विश्वाच्छिद्विस्वतोमुखः भोगभोगविजयान्ति स्नहरमदरकविः तीर्वगूर्गमहिषारास्याय सन्तदा सन्तमदितं देवमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये महिषिख अनियोज्य व्यावस्थितः नीलतो यदमद्युल्य विद्युल्लेखिव भास्वर नीवत सुक्तवाचा वेशीतवस्त्वत्तनोपम तस्याच्छिखया मध्ये परात्म व्यावस्थितः ओम सब्रह्म ओम शशिवास ओम शहरि सेन्द्र सोक्षर परमाश्वरात् योपां पुष्पं वेदा पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति चन्द्रमा अपं पुष्पवान् पुष्पवान् प्रजावान् पशुवान् भवति य एवं वेदा योपामायतनं वेदा अग्निवा अपमायतनो ये अग्निरायतनं वेद आपवा अग्निरायतनो य एवं वेद आयुर्व अपमायतन ये वायुर्वरायतनं वेद आपो वै वायुरायतन य एवं वेद असौ वै तपन्नमपमायतन यो मुष्यतपद आयतनं वेद आपो व अमुष्यतपद आयतन य एवं वेद चन्द्रभा अपमायतन यश्चन्द्रमायतनं वेद आपो वै चन्द्रमायतन य एवं वेद नक्षत्राणि वा अपमायतन यो नक्षत्राणमायतनं वेद आपो वै नक्षत्राणमायतन य एवं वेद पर्जन्यो वा अपमायतन पर्जन्यस्य मायतनं वेद आपो वै पर्जन्यस्य मायतन य एवं वेद संवत्सरो वा अपमायतन यः संवत्सरमायतनं वेद आपो वै संवत्सरमायतन य एवं वेद
यो पुरस्तवा प्रतिष्ठिता मेरा प्रतिष्ठित दिक्किम तक विष्णु बलम गुगु का दिप्तिकिम परायन मेक रजस्तरीजति रोजसे उदय भत्य विष्णु बलम गुगु अक्षरा दिप्त दिपायत्त देवरेगा मुच्चम राजादि राजाय प्रतत्य सायने नमो भयं वैष्णवनाय कुर्महे समे कामान कामाय मज्ञ हमेश्वर वेश्वर मनात कुबेराय वैष्णवनाय महाराजाय नमः ओम तद्ब्रह्म ओम तद्वायुः ओम तदात्मा ओम तत्सत्यम् ओम तत्सर्वम् ओम तत्पुरुषम् नमः ओम अंतिराष्टि भूतेषु गृहाजं विष्णुमूर्तिषु तं यज्ज्येष्ठं वस्कारस्तम् इन्द्रस्तम् रुद्रस्तम् विष्णुस्तम् ब्रह्मस्तम् प्रजावदहे तं तपा अपो ज्योतिरसोऽमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरूप ओम ओम ईशान सर्व विद्यानां ईशान सर्व भूतानां ब्रह्मधीरपति ब्रह्मणोधीरपति ब्रह्मशिवो मेऽस्तु सदाशिवम् तस्विष्णु परमपदगम् सदा पश्येन्दि सूर्यः दिव्य चक्षुरादितम् तस्मिन्नतो जुग्रतां सन्विन्नते विष्णोर्तत् परमं पदं रूतगं सत्यपराब्रह्म विष्णुपिंगलं मूर्धरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहे तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ओम नागराजाय विद्महे पृथ्वीधराय धीमहे तन्नो सर्पः प्रचोदयात् ओम श्रीनागदेवताभ्यो नमः हृदयमन्त्रपुष्पं समर्पयामि Eh bien, nous pouvons nous pour nous joindre de la main ensemble. Nous parlons offrir nos Atma Pradakshina Namaskar pour nos Nagadevta. Om Yani Kani Cha Papani Janmantara Krutani Cha Tani Tani Pranasyande Pradakshina Pade Pade Papoham Papakaramaham Papatma Papasambhavah Traimam Krupaya Deva Sharanagata Vatsala Anyatha Sharanam Nasti Ameva Sharanam Mama Tasmatarunya Vavena Raksha Raksha Ahishwarah Raksha Raksha Ahishwarah Om Srinagadevata Bhyo Namah Atma Pradakshina Namaskara Samarpayami ओम ब्रह्मलोके च सर्ववासका प्रमुत्यार्चम नमोतेभ्यो सर्वेभ्यो प्रदाते दसंदव नमः नागदेवताभ्यो नमः इदमर्घ्यं समर्पयामि ओम कपिलो यश्च मे सर्प मृत्यार्चा परायण नमोस्तुभ्यं लेतस्त सर्पोभ्यो प्रसाम संतुजः ओम श्री नागदेवताभ्यो नमः मर्घ्यं समर्पयामि ओम अनंत सर्पराजाय पुत्र पोत्र समन्वितम् आपुत्रस्य च मे पुत्र गृहाणं नमोस्तुते ओम श्रीनागदेवताभ्यो नमः इदमर्घ्यं समर्पयामि ओम सर्ववंश समाधूतम् दक्षदात्यार्थ मनोहरम् तत्यमार्घ्यं सर्पदेवे देवता नागदेवताभ्यो नमः इदमर्घ्यं समर्पयामि पुनः पूज्यम् ओम श्रीनागदेवताभ्यो नमः चक्रमाच्छादयामि ओम श्रीनागदेवताभ्यो नमः चामरं वीजयामि ओम श्रीनागदेवताभ्यो नमः सर्पसुक्तं समर्पयामि दयचेसि कूर्चोंडि असि कूर्चोंडि उकारंगा
ॐ अमितावह वाष्टोष्टते विश्वरूपान्य वास सुख सुकले देनिता यधार्यस्य सरमे यदुतः पशिंगयश्च से शिवा प्रजान्तः ऋषिया उपाक्रमेषु ब्रह्म विष्णु स्वर्पः स्तेतं राया पाद्यास्तकम् नाचपुस्तस्तोत्र विन्द्याश्च राय सिद्ध्यार्चयवः त्वं सुरा रक्ष्य धर्तार्थो सुरारः स्तोत्रस्तस्य रायस्तिकरास्त्य शमे वेष्टः स्वर्पः नस्तु माता सस्तु पिता सस्तु श्वा सस्तु वृतिष्ठिवेः सस्त सर्वे ज्ञाताय सर्प राजाय नमः ओम यः अस्ति यच्चरति यश्च पश्याति भोकनः तेषां सर्वात्मः यतस्तोर्त्यं तदा सहस्राश्रुजा वृषभो व्याश्चदो देवंचरात् तेन महास्वयं यहां विजयं स्वाम्यां यहें श्रेष्ठया विश्वया नारी विष्ट शीवरे सिस्त्रिये पुन्या गंधास्तं सर्पराजा नमोस्तुते सर्पराजा नमोस्तुते सर्पराजा नमोस्तुते स्वस्ति हे ओम श्री नागदेवताभ्यो नमः आंदोलिकानारोहयामि आश्वानारोहयामि समस्त राजो प्रचार सुक्तो प्रचार भक्तो प्रचार पूजां समर्पयामि ॐ ॐ ॐ श्री ॐ जगस्यात्यमोक्तमः पूजा क्रियादीषु न्यूनां सम्पूर्णतां याचि सज्जो वन्दे तममच्युतम् ॐ मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनाम् अहीश्वरः यत्पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तुते अनयध्यायनादि श्रीसूक्त पुरुषसूक्त कल्पता प्रकारेण ध्यावहनादि पुरोक्तः याजशक्ति षोडशोपचार पूजान् भगवान् सर्वात्मक श्रीनागदेवता सुप्रीतो सुप्रसन्नो वरदो भवतु ॐ श्रीनागदेवताभ्यो नमः सर्वोपचारान् समर्पयामि Eh bien, nous demandons tout pour nous joindre nous deux la main ensemble. Nous pouvons offrir nos pratena pour nous Nagadevata. Om Yava Chandra Vase Sarvaste Punyacham Yadatida Sarvaste Taste Tam Bhakti Kalpayam Yoda Sarpa Bhutana Atmada Eva गणाचाश्चहचमे नाग प्रसिद्धो नागराज महादेव कल्पा भक्ता वृत्तमं अभिष्ट देवता सर्प रूप नमोस्तु दे ओम श्री नाग देवता भ्यो नमः प्रार्थना नमस्कारं समर्पयामि ओम श्री नाग देवता भ्यो नमः प्रसादं शिरसा गृहनामे ॐ शान्तिः 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 श्रीनागदेवता की नमस्कारं चि मी फाद नुतुनु मेतुनु भक्ति ऑफ ऑसम नो फे ऐसा पुनु नागदेव श्रीनागदेवता की श्रीनागदेवता की श्रीनागदेवता की Maintenant, nous pouvons nous dire Yadjaman, nous pouvons préparer pour Yadjahawan. Alors, nous pouvons mettre des Hawan qu'on a pour nous deux Yadjaman. Alors, donnez un petit coup de main. Alors, Vishwanatha Shiva Chambo Karuna Sindho Vishwanatha Shiva
Thank you.
ओम केशवाय स्वाहा, ओम नारायणाय स्वाहा, ओम माधवाय स्वाहा, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः,
सुमदनाय नमः ओम त्रिविक्रमाय ओम त्रिविक्रमाय नमः ओम वामनाय नमः ओम श्रीधराय नमः ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्वे वेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षु हरिश्चंद्रेः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्ददातु ओम तैः पृथिव्यां वय ओषधीषु पयो दिव्यं तरिक्षं वयोदाः पयस्वतीः प्रदिशर सन्तु मह्यं ओम विष्णुरनातमसि विष्णुस्नात्रेश्वर विष्णु शिवरसि विष्णु ध्रुवोऽसि वैष्णवसि विवेष्णत्वा ॐ अग्निर्देवता वाचो देवता सूर्यो देवता चंद्रमा देवता वसवो देवता रुद्रो देवता आदित्य देवता मरुतो देवता विश्वे देवा देवता बृहस्पति देवतेन्द्रो देवता वरुणो देवता ओम द्यौ शांतिरंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांतिरापः शांति ओषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांति देव शांति साम शांति ओम विश्वानि देव सवितः दुरितानि परासुव गर्भभ्रंपुनासुव ओम रक्षतु दक्षिणे पद्मनाभस्तु नैऋत्यां मधुसूदनः पश्चिमे चैव गोविन्द वायव्यां तु जनार्दन उत्तरे श्रीपते रक्षे देशां यामि महेश्वरः ऊर्ध्वं रक्षतु दातव्यतु नक्तश्च रक्षतु अनुक्षणस्य स्नानो वक्षतु सोममाद्विद्यु आप सर्वन्तु ये भूता भूमि संस्थिताः ये भूता विघ्नकर्तारस्ते गच्छन्तु शिवाग्यः अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचाः सर्वतो दिशं सर्वेषां विभूतेन यज्ञकर्मा समारभे विश्वे देवा यजमानस्य सीदतः ॐ सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं नमः ॐ अयन्त इद्म आत्मजात वेदस्य यज्ञस्य वज्रस्य छेदवद्य
चास्मान प्रजया पशुभि ब्रह्म वर्चसे नाना जिन समी जय स्वाहा इदमग्ने जात वेदस्य इदन्ना मम ओम समिधा जिंदु वशत जीते बुद्धया तापीते आस्तिन हव्या जुहोतन स्वाहा इदमग्ने जात वेदस्य इदन्ना मम ओम सुसमिधाय सोचि से गुरुतम तीव्रं जुहोतना अग्नये जात वेदस्य स्वाहा इदम अग्नये जात वेदस्य इदन्ना मम ओम चंचो समिधिरंगिरो गुरुतेन वर्धयामसि बृहच्छ छाय विष्ट्य स्वाहा इदम अग्नये अंगिरस्य इदन्ना मम ओम अदिति अनुमन्य स्वा इति पूर्वे ओम अनुमति निमस्य स्वा इति पश्चिमे ओम सरस्वती मन्य स्वा इति उत्तरे ओम देव सविता पशुवाय यज्ञ पशुवाय यज्ञापति मघाय दिव्यो गंधर्वः केतपुः केतनः पुनातु राचस्पति वाचम नः सदतु ॐ प्रजापतये स्वाहा इदं प्रजापतये इदं ॐ इन्द्राय स्वाहा इदं इन्द्राय इदं ॐ अग्नये स्वाहा इदं अग्नये इदं ॐ सोमाय स्वाहा इदं सोमाय इदं ॐ भूस्वाहा इदम अग्नये इदन्ना मम ॐ भुवः स्वाहा इदं वायवे इदन्ना मम ॐ स्वाहा स्वाहा इदं सूर्याय इदन्ना मम ॐ सप्ताश्वरतमारूढं प्रचण्डं कश्यपात्मजं श्वेतपद्मधरं देवं तं सूर्यं प्रणमाम्यहम् ॐ सूर्याय नमः ॐ रविये नमः ॐ भास्कराय नमः ॐ ह्रां ह्रीं ॐ सः सूर्याय स्वाहा इदं सूर्याय इदं नमः ॐ श्रां श्रीं सों सः चन्द्राय स्वाहा इदं चन्द्राय इदं नमः ॐ क्रां क्रीं क्रों सः भौम्याय स्वाहा इदं भौम्याय इदं नमः ॐ ब्रां ब्रीं ब्रों सः बुधाय स्वाहा इदं बुधाय इदं नमः ॐ ह्रां ह्रीं क्रों सः बृहस्पतये स्वाहा इदं बृहस्पतये इदं नमः ॐ द्रां द्रीं द्रों सः शुक्राय स्वाहा इदं शुक्राय इदं नमः ॐ ह्रां ह्रीं क्रों सः शनीश्वराय स्वाहा इदं शनीश्वराय इदं नमः ॐ ब्रां ब्रीं ॐ सः राहवे स्वाहा इदं राहवे इदं नमः ॐ प्रां प्रीं ॐ सः केतवे स्वाहा इदं केतवे इदं नमः ॐ आदित्याय च सोमाय मंगलाय बुधाय च गुरु शुक्र शनिभ्यश्च राहवे केतवे नमः ॐ नवग्रहादि देवता ग्रह शांति प्रीत्यर्थं पूजां करिष्ये Eh bien, nous tous nous connaissons actuellement nous dans le mois Shravan, Shravan mass, et dans nos livres sacrés, maintenant beaucoup de mantras spéciaux à l'occasion
श्रावण मास अलो नृत्यु को लेना पेलसा श्रावणी उपाकर्म अलो पुल्य समन मंत्र स्वामी ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे इदं नमः ओम छन्दोभ्यः स्वाहा इदं छन्दोभ्यः इदं नमः ओम सावित्र्यै स्वाहा इदं सावित्र्यै इदं नमः ओम ब्रह्मणे स्वाहा इदं ब्रह्मणे इदं नमः ओम श्रद्धाय स्वाहा इदं श्रद्धाय इदं नमः ओम मेधाये स्वाहा इदं मेधाये इदं नमः ओम प्रज्ञाये स्वाहा इदं प्रज्ञाये इदं नमः ओम धराये स्वाहा इदं धराये इदं नमः ओम सदा सत्यवदये स्वाहा इदं सदा सत्यवदये इदं नमः ओम अनुमतये स्वाहा इदं अनुमतये इदं नमः ओम छन्दोभ्यो स्वाहा इदं छन्दोभ्यो इदं नमः ओम ऋषिभ्यः स्वाहा इदं ऋषिभ्य इदं नमः ओम अग्निमिह पुरोहितं यज्ञस्य देवं रुद्रजं होतारं रत्नधातमं स्वाहा ओम शन्नो देवे रविष्टय आपो भवन्तु भीतये शम्मा वो अविरक्तयस्तु वह स्वाहा ओम अग्ना अहाहितो गृहान हृदये ऋतस्य वादि ऋषिः स्वाहा ओम मृगो नभिज्ञः कुशार दिद्यो पदाच अज्ञावतः सर्वदा कृताम अवे चंद्रः शतामृत धानुस्यः स्वाहा ओम भद्रं कर्ण विहे श्रुणियाम देव भद्रं पये पश्येम माक्ष वीरेन जात्रः स्थिरेङ्गेष्टाष्टगागं सप्तानोभिः शिवमहीदयाहितं यदायुः स्वाहा ओम इष्टेत्यः वाच्यस्यः ऋतस्यः आत्यस्य कर्मण अजस्य रोतमिन्द्रये जगं प्रजाय रभा आयुष्टः स्वाहा ओम नागराजाय धीमहे पृथ्वीधराय धीमहे तन्नो सर्पः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नागराजाय विद्महे पृथ्वीधराय धीमहे तन्नो सर्पः प्रचोदयात् स्वाहा ओम नागराजाय विद्महे पृथ्वीधराय धीमहे तन्नो सर्पः प्रचोदयात् स्वाहा गायत्री मंत्र गुरु मंत्र ओम भोर भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देहो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भोर भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देहो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि देहो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं नमः ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च स्वाहा
महामृत्युंजय मंत्र। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मन्दनात् मृत्योमृक्षमामृतात् स्वाहा। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मन्दनात् मृत्योमृक्षमामृतात् स्वाहा। ओम त्रयंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मन्दनात् मृत्योमृक्षमामृतात् स्वाहा। एवं यह देवान् जोति पूजे बीते ये परफेक्ट पूर्ण वशिष्यते। ओम पूर्णा दर्वे परापत सुपूर्णा पूर्णापत वस्नेव विग्रहिणः इसमुद्रत्वं तदक्रतो स्वाहा। Maintenant trois fois, nous vous mettions noir. Om sarvam vai purnagvam swaha. Om sarvam vai purnagvam swaha. Om sarvam vai purnagvam swaha. ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। श्री नाग देवता की आशीष बैठ जाइए पुकार। Thank you.
सभी को नमस्कार, वनकम, नमस्ते। जितेन जोली जून दो जी नाग पंचमी ए नुदाले मुआश्रावन ले मुआश्रावन ली एस्पेशियल ओ ब्रोजे शिव महादेव जी पंचमी नुदाव कैसे फ्रेब्रिल सेकेंड जून लाली मोके आकों सा जली पंचमी पंच पांच सेकेंड जून लाली मोके ए नंबर सेंट ये स्पेशल पुष्पी महादेव ए ये स्पेशल पु नाग देवता आकों सा पंचमी ए ये स्पेशल पु गायत्री माता गायत्री देवी सेंट pour remarquer Gayatri Devi en a cinq figures, Ganesh en a cinq figures, et Kartikey, Muruga, lui en a six figures. Tout ça là, lui bien meaningful, il y en a une grande signification de Yessa. Alors, Naga Devta ici, si nous pouvons dire dans nos langues, nous pouvons dire serpent. Naga, Nagen, Nagendra. Et vous remarquez, Shiv,
dans son écu et dans ses époques. Il y a Naga Devta, Naga Raja. Mahavishnu, Nidomi, so powerful, dear, so lily, say upon him. Say upon, for me, one's animal. Beaucoup de monde paye serpent. Serpent ici, il représente danger. Danger. Malheur. Serpent représente l'amour, mortalité. Cal serpent. Mettant Mahadev Shiva autour du serpent dans son écou, ça veut dire il est sous contrôle, tout bon danger, même l'amour, il est sous contrôle, mon Dieu. Mahavishnu Vedori Yogi, Mahavishnu Narayana, contrôle. L'amour. Maintenant, si nous devons faire puja pour Mahadev, nous devons faire puja pour Mahavishnu, Nag Devta bien content. Et si nous devons faire puja pour Nag Devta, pour Nagendra, Nagraj, Mahavishnu, Mahadev, Shiv, bien content. Et il protège nous contre tout bon danger, contre tout malheur, contre toute bonne négativité. Naga Panchami, il y a un jour spécial pour nous prier et nous dire bon Dieu, protège-nous contre tout bon danger. Comme dit, pas à pas et dans malheur, pas à pas et dans souffrance, pas à pas et dans accident et toute qualité de négativité. Nous, Sri Krishna dans Bhagavad Gita, nous dit I prapancham dukhalayam. Ça le monde là-même, il y a de la souffrance. Et pour ce motif depuis là-dedans, rappliquez volonté. Nous tous nous contents quand nous pouvons sortir depuis dans la case, quand même quand nous pouvons aller, nous pouvons au travail, nous pouvons aller dans petite mission, pas là, mais nous comptons nous retourner sains et saufs. Nous retournons bien, pas dans aucun problème, aucun malheur, aucun accident. Mais pour protéger contre tout ça là, Mahavishnu, Mahadev et Nag Devta les protègent nous. Ça, c'est une raison d'être. Ça là, là mon père écoute les temps puja peut aller dans le mantra, qui peut aller mantra, le charana. Sri Nag. Prithvi dharaya namaha. Prithvi veut dire bhumi, la terre. Nag Devta qui fin supporte ça, la terre qui nous fait vivre. Ça aussi est bien symbolique. Un serpent, comment ça les monde là, ça la terre là, peut tenir par serpent. Un grand yogi, un grand swami, un grand rishi, dans notre méditation de trouver sa vitesse, le temps la terre la paix, tourner comme ça, le temps peut tourner, et on dirait qu'il peut faire laquer. Pareil comme on trouve un tourbillon à l'arena, il faut avoir le feuillage, tout ça là. Peut faire les tours, vous savez aller, comme ça même,
on vient de toupie. Un toupie qui fait tourner et ça lui donne une forme, c'est après. À cause de ça, ben Rishi, ben grand yogi, il dit, hein, nous la terre, c'est tenir, nous la terre, en fait, lui peut reposer l'eau, c'est après. Une grande signification, ça. Et aujourd'hui, science peut prouver qu'il est comme ça. Il donne sa forme, c'est pour la même. Ça, la terre qui peut tourner là, qui vitesse peut tourner. Et ce qui je lis là-dedans, la terre là peut tourner clockwise, il peut tourner anti-clockwise, l'envers. Pas comme un aiguille sur mon entalé. Il va tourner comme ça, il va tourner l'envers. Extra. Une grande science, ça. Il est pauvre, nous vannes de Chine, nous vannes hein, sage, un grand yogi qui nous a dit ça, qui nous dit ça. Dans le langage yoga, ça m'a dit appelé Kundalini Shakti. Kundalini Shakti. Et ça, il trouve dans les communs, en bas de l'ombris, un serpent qui dormit. Tu vois pas, Pierre, oui. Il y a un serpent dormant, comme dit Cosé. Il peut dormir tranquille. Ça même qu'il y a un yogi, un grand pratiquant, quand on fait une méditation, un chakra là, Muladhara chakra, en bas l'ombris, un pouce en bas l'ombris. Après ça, Muladhara chakra. Là-bas même, ça serpent là peut dormir. En fait, il est en forme serpent, mais il y a la force, un shakti qui peut dormir. Ça même qui vous trouve tout un grand yogi, quand vous pouvez faire votre méditation, vous pouvez faire votre jap-tap, votre mantra, tout ça là, vous bouge ça, serpent qui peut dormir, en fait, il se forme comme un serpent même, il n'est pas droit, il est tourner comme ça, il donne sa forme serpent la même. Un grand shakti, ça. Je bouge avec votre bhakti, et si, et l'étendine levée aussi, l'étendine réveillée, là, il passe dans Muladhara chakra, Swadhisthana chakra, Manipura chakra, il monte, il y a les mêmes. En bas, il montait, il allait même, on va dire, sa bisline démarrait depuis dans son lagor, fait qu'on va dire, souillac là-bas, il fait venir même, parce que dans tout ça, dans le lagor là, il y a pour lui. Et quand il rentre pour lui, comme dit qu'on faisait ça, ça la force là. Mais extra, c'est la même qui va le yogi, il va le pouvoir, le shakti, il va le pouvoir extraordinaire. Pas capable d'expliquer ça. Mais ça, dans le langage spirituel, langage spiritualité, nous dire ça. Comment nous dire Kundalini, Shakti. Un grand Shakti, un grand la force. Donc, l'audi, Naga Panchami, il y en a beaucoup de significations. Un chigin nous peut connaître là. Et c'est moi qui appelle Shravana, il est dédié pour Lord Shiva, pour mon Dieu Shiva. Tout le lundi, et spécial en coucou Shiva, il est bien content. Et en même temps, côte à côte, il est moi dédié pour Mahavishnu, pour Narayana. 5 samedis, ou soit 4 samedis dans ce mois Shravana, ben bhakta pour Mahavishnu, Narayana, Venkateshwara. De faire de puja. Et ce mois-là, elle a trois grandes fêtes encore. À part aujourd'hui, elle a encore trois grandes fêtes. Bon, on va dire encore quatre grandes fêtes. Vendredi prochain, Santoshi Mata Jayanti. Vous connaissez Santoshi Mata? Ganesh. Sri Ganesh. Ce sert. L'anniversaire. Comme ça, on connaît Ganesh, il y a un autre frère qui s'appelle Kartikeya Murugan.
comme son ami à l'Aïssia qui appelle, quand on finit en temps. Sur l'anniversaire, vendredi prochain. Nous allons joliment dire, dans la rivière là-bas, Santo Shimata, vendredi prochain, nous vous invitons, 10h du matin, et spécial pour Javini, participer par un grand jury d'aujourd'hui. Et puis, les 3 août, Purnima, Shravana Purnima. Ça, en tout est spécial, elle a 3 grandes fêtes inattachées en lui. Numéro 1, renouvellement la côte d'Ali. Quand on peut dire renouvellement la côte d'Ali, en même temps, elle a son Mangal Sutra, ou Ban Mahayé. Mangal Sutra. Et Raksha Bandhan, ça aussi appelle un sutra du fil. Hein, attaché dans la main, elle fait très sœur. Et de l'autre côté, il y a Jyopavitam, ban Pandit, ban Acharya, ban Brahman, le chance de Janel, il y a Jyopavitam, Janjirmu. Alors, un grand mois, le mois Shravana. Shravana veut dire écouter. À cause de ça, bon, Dieu nous donne des oreilles pour écouter. Il nous donne la bouche, nous connaissons. Écoutez plus. Shravana veut dire Shravanam. Écoutez. Shruti. Qui peut écouter? Shruti. Shruti veut dire les Vedas. Écoute les Vedas. Écoute parole de bon Dieu. Parce que les Vedas, nos livres sacrés, l'autre bon Dieu là-dedans. L'autre bon Dieu. Bon Dieu ne donne pas conseil, bon Dieu donne l'autre. Fais ça. C'est moi pour mieux du monde écouter. Ce qui écoute, il est heureux. Ce qui pas écouté, ben, il va tomber dans une pièce. Ben. Oui, il est malheureux. Ce qui pas écouté. L'autre bon Dieu. Ça même qui appelle Vedas, les Vedas. Alors, nous bien contents aujourd'hui. Et ce qui nous fait apprendre. Nous avons deux membres bien close avec Ashram, de bien coopérer. Shri Sandy Taïveben, nous bien contents. Tombe bien ça, je vous dis, ou Djalmadinam, pour célébrer l'anniversaire, ou venir avec la famille. Et deuxième, nous sommes les premiers-là. Nous disons une grande félicitation. Aussi, nous bien solidaires à Ashram, avec nos familles. Nous prions pour vous. Vive en bonne santé, longue vie, beaucoup de prospérité, la paix, la joie, le bonheur dans la vie, ou la famille. Et nous bien contents maintenant, nous, Yajman, venons à Palogaru avec la famille, ou un membre bien coopérer avec Ashram et ou un membre exécutif. Aussi un grand bravo, une grande félicitation. Aussi, comme dit l'île, un vieil tata. Avec tous vos enfants, beaucoup de la joie, bonheur, prospérité, la paix dans la vie. Et en même temps, vous pouvez gagner une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, vous êtes venu là. Je suis Kamal Lachmia. Il va célébrer son 10e anniversaire de mariage. Aujourd'hui, on va vous la même. L'ancien nom est le petit. Bien content, c'est un double trip, beaucoup, grand jour aujourd'hui, extra. Et voilà, pas pour prendre beaucoup de temps, et je vais terminer, mais pour vous demander, pas mal aussi, et que ce Bhavia, Vintre, et de tous les 3 familles, 4 familles, tous les mélanges de tout, assis près nous dans la Chez-Wadam, et je vais terminer par une mangala. Merci.
श्रीमान संदीप श्रीमान वेणु सिल्वुप्ले आशीर्वाद नुपुदेवान पुष्पमाला पूफे पुस्वामी आरो पॉली ओफे